आप आराम से बदला ले रही है डैड। क्या माफ आ रहा? मुझे पता था कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैं इस बात पर यकीन करना चाहता हूं, मैं खुद वहां जाकर उसे देखना चाहता हूं। ठीक है, जाकर देख ले। लेकिन मेरे पास एक चीज है जिसे देखकर आपको मेरी बात पर यकीन आ जाए। क्या? महापारा की बनाई हुई फैक्ट शीट, इस पर किए गए सिग्नेचर उसके पक्के सिग्नेचर। ये तो वाकई महापारा के सिग्नेचर। महापारा, ये क्या कर रही हो तुम? एक साइन दूसरे साइन से नहीं मिल रहा, सब अलग अलग है। एक जैसी तो है। अरे नहीं है ना। तो क्या हुआ? मैं तो ऐसे हमेशा बनाती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। एक जैसे साइन करना सीखो, पक्का साइन, पक्का वो बनाओ। भाई दस्तखत करने नहीं आ रहे, एक जैसे साइन कर ही नहीं रही। मैं कह रहा हूँ पक्के करना सीखो। नहीं हो रहा है, मुझे लगता है इसके बस की बात नहीं। ला, मैं सब चाहता हूँ। ये देखो, जब भी साइन करते हैं ना, ठीक है, तो जो पहला लेटर होगा एम, ठीक है, ये तक मुझे भी नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, एम, ठीक है, एम होगा इटैलिक, ठीक है। फिर आपने शुरू किया, पूरा नाम लिखा, और जब आप एंड में आएंगे, ठीक है, तो फिर आप दोबारा इटैलिक, बीच में रेगुलर ना। क्या बात, शाबाश। अरे वाह भाई, एक घंटे से समझा रहा हूँ, एक घंटे से नहीं समझ रही, एक मिनट में समझा दिया तुमने। एक दफा। हाँ जी, हाँ, शाबाश शाबाश। ये हो गया बाबा के। वाह, कल तक जिस लड़की को साइन करने नहीं आते थे, आज वो हमारी फैक्ट शीट पे वही साइन करेगी। मैं तो सोच रहा था वापस आकर कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, लेकिन यहां तो काम ही रुका पड़ा। देखिए शामीर, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, आपको हम पर भरोसा करना चाहिए। इस वक्त वी गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। देखिए, बात सिर्फ अगर बुरे वक्त की होती तो कोई भी साथ दे देता, लेकिन यह मामला हमारी रेपुटेशन का है। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो आप पर एतमाद नहीं कर पा रहे। तो आप ये प्रोजेक्ट रोकना चाहते हैं? वेल, जिस प्रोजेक्ट में सिर्फ मेरी कंपनी इन्वॉल्व्ड है, आई एम नॉट स्टॉपिंग देम फॉर नाउ। पर जो काम मर्जर में हो रहा है, मुझे उसे रोकना पड़ेगा। एंड दैट इज बिकॉज उसमें दूसरे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं।
I hope you understand. Yeah, I understand. मैम आपसे कोई मिल रहा है? कौन? वो कह रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं। मेरे रिश्तेदार? जी भेजे उन्हें। ओके मैम। हाजरा क्या था अगर तुम थोड़ी देर दुर्दाना और सारा से मिल लेती? कितनी मोहब्बत से आए थे वो लोग। सारी दुनिया की फिक्र है आपको, अपने बेटों की हरकतों की नहीं। फिर वही तलखी, क्या हो गया है तुम्हें? अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक हो गई थी, इतना खुश रहती थी। आपका बेटा किसी को खुश रहने कहां देता है? क्यों, क्या हुआ? रायद ने कुछ कहा है तुमसे? क्या बात? एक तो इस लड़की के मूड स्विंग्स खत्म ही नहीं होते, ऊपर से रायत ने सारा और दुर्दाना को मजीद नाराज कर दिया। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। बाद में आती हूँ, अभी मीटिंग में। मैं यहां बिजनेसमैन बनकर नहीं, एक बाप की हैसियत से आया हूं। जिसके बाप की हैसियत से आप यहां पर आए हैं उसे बेटा कहते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए। बेटी तो मैं तुम्हें भी समझता था, बहुत ख्याल रखा है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शर्म और लिहाज खत्म हो गया। तुम ये भूल रही हो मापारा कि मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं। बाप जैसे? फिर तो आपको मेरे बाप की तरह गैरत से मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए था? ठीक कह रही हो तुम, मर जाना चाहिए था इसलिए कि मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला, तुम्हारा ख्याल रखा। और ये जो तुम दस्तखत करती हो ना, ये भी मैंने सिखाया है, एक बाप की तरह, बाप की तरह सिखाया है सब। बार बार मेरे बाप का नाम मत लें। मेरे बाप को बाप बनने के लिए कितने मजारों और दरगाहों पर माथा टेकना पड़ा,
और आप पता नहीं कहां से आ गए मेरे बाप बनके। और अगर इतने ही सगे थे मेरे, मेरी बर्बादी का आपको इतना ही दुख था, तो मर क्यों नहीं गए जैसे मेरे अब्बा ने किया। चले जाए यहां से। ठीक कहता था राय, तुम जैसे ही लोग होते हैं। जिनकी वजह से लोग गरीबों पर तरस खाना छोड़ देते हैं। और आप जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं फजल साहब, जो गरीब को अपना काम ईमानदारी से करने नहीं देते। कभी ये रिश्वत देते हैं और कभी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। राय ठीक कहता था, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये समझा था कि मुझे देखकर शायद तुम्हें कोई एहसास हो। तुम्हारी आंखों में कोई शर्म आए, कोई लिहाज, लेकिन कुछ भी। चले जाए यहां से और दोबारा किसी गलतफहमी में यहां पर मत आइएगा, क्योंकि मेरे पास आपकी ब्लैकमेलिंग सुनने का वक्त नहीं है। जाए। आपका ये चेक। कहती थी दादी, सब एक जैसे। I'm sorry, रायत को पता नहीं कल क्या हो गया था। वैसे आपके वापस जाने के बाद वो अफसोस कर रहा था अपनी बात पर। कैसी माँ हैं आप? आपको यही नहीं मालूम कि आपके बेटे को क्या हुआ है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे मालूम है वजह, लेकिन दरअसल उस पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। काम का प्रेशर तो जिंदगी भर रहेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी बेटी को बोझ कहने लगे। ये रिश्ता हमने जबरदस्ती नहीं किया था। कैसी बात कर रही हैं आप दुर्दाना, सारा तो उसकी अपनी पसंद है। ये तो आप रहने ही दीजिए प्लीज। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, अगर काम का इतना प्रेशर ना होता तो वो तो बहुत जल्द शादी करना चाहता है। वाकई? जी जी, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि सारा इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त स्पेंड करे, ताकि रायत कुछ देर के लिए सही अपनी परेशानियां भूल सके। मेरी बेटी कोई पंचिंग बैग नहीं है जिसपे कोई अपना गुस्सा या अपनी परेशानी निकाल सके। मेरा ये मतलब नहीं है दुर्दाना, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि रायद और सारा अगर आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो उनमें अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। आपके बेटे को अंडरस्टैंडिंग की नहीं, काउंसलिंग की जरूरत है, और ये सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। क्या कहना चाहती हैं आप? अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं नहीं वाकई मुझे समझ नहीं आई, आप बताएं प्लीज। ठीक है, सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। एक डिप्रेशन के मरीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है,
पर वो ट्रीटमेंट मेरी बेटी नहीं कर सकती। आप तो एक जरा सी बात पर मेरे बेटे को बदनाम कर रही हैं। मुझे आपके बेटे को बदनाम करना होता ना तो मंगनी के दूसरे दिन ही कर देती। जब मुझे उसके मासी के साथ के अफेयर का पता चला था। Excuse me? मैं सब कुछ जानती हूँ शैला, मुझे हाजरा ने सब कुछ पहले दिन ही बता दिया था। लेकिन मैं तो सिर्फ सारा की वजह से खामोश थी, क्योंकि वो रायत को संभालना चाहती थी और वो उसे पसंद करने लगी थी। That's all. तो फिर ये बात अब क्यों कर रही हैं जब पहले नहीं की आपने? अब भी मैं ये बात सारा की वजह से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उससे गलती हो गई थी तुर्ताना, वरना मैं आपके बेटे में हर कमी बर्दाश्त कर सकती हूँ, आपकी सोसाइटी में बदनामी भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुर्ताना आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, और बेहतर ये होगा कि आप भी इस बात को समझें। और अब आप इस घर में तभी आइएगा जब इस रिश्ते को लेकर आप और आपका बेटा सेम पेज पे हों। परेशान हो? हाँ नहीं, नहीं तो? अगर नहीं बताना चाहती वो अलग बात है, लेकिन कम से कम झूठ नहीं बोलो। झूठ? मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है? तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी बेवकूफ बता सकता कि तुम परेशान हो, और मैं तो फिर खासा इंटेलिजेंट। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट झूठ नहीं बोलो, सच सच बता दिया करो कि तुम्हें मुझसे कुछ शेयर नहीं करना। आपका शुमार सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में होता है या झूठे लोगों में? मैंने कौन सा झूठ बोला? आपने तो कहा था कि ऑफिशियल लंच है, लेकिन यहाँ मुझे कोई ऑफिस का स्टाफ तो नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे और मेरे दरमियान ऑफिशियल लंच नहीं हो सकता, कोई ऑफिशियल पर्पस भी तो होना चाहिए ना। है ना ऑफिशियल पर्पस? क्या? तुम्हारी परेशानी की वजह। अच्छा ये बताओ कि आज तुम्हारे ऑफिस में कौन आया था? मेरा मतलब है ऑफिस के रूम में। कौन? वही जो खुद को तुम्हारा रिश्तेदार बता रहा था और बाद में तुमने ऑफिस से निकाल दिया उसे। देखो माँ बारा, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसी बातें छुपती नहीं है। अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहती है तो प्लीज। नहीं वाकई कोई मसला नहीं है, और मैं वैसे भी किसी और वजह से परेशान हूँ। किसी और वजह से? किसी को थप्पड़ मारने की वजह से? देखो माँ बारा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ऑफिस के बाहर किसी को थप्पड़ मारा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। बताओ प्लीज, मैं तुम्हारी जब मुझे जरूरी लगेगा तो मैं जरूर बताऊँ, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। और प्लीज आइंदा परेशान होकर कोई ऑफिशियल लंच मत रखिएगा। ठीक है, तो आइंदा मैं घर आ जाया करूँ। घर? क्यों नहीं आ सकता? नहीं वो मैं
दादी को एतराज होगा। नहीं, उन्हें मैंने अभी साथ काम करने का नहीं बताया। क्यों? वो तो पहले ही मेरे रिश्ते ढूंढ रही थी, और अब सुहेल का खौफ। अगर उन्हें सलार का बता दूंगी तो वो तो पता नहीं क्या सोच लेंगी। जाओ बताओ जाके राहित को, अभी जाओ जाओ। लेकिन अपनी मॉम को भी कह देना कि तुम्हें यहां से ले जाएं। तलाक मैं तुम्हें बच्चा होने के बाद दे दूंगा। इतनी हिम्मत कहां से आई? कोई ना कोई आसरा तो मिला है जो उसमें इतना हौसला आ गया है। मैं तुम्हें यहां इस खौफ से नहीं रखा हुआ कि तुम राहित को सब कुछ बता दोगी, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें मोहब्बत में यहां रखा हुआ है। लेकिन अगर तुम मुझे मोहब्बत और इज्जत नहीं दे सकती तो हाजरा यहां से चली जाओ। मैं इज्जत नहीं दे सकती? हाँ, क्योंकि मुझे एक हंसती मुस्कुराती शोखियां करती हुई बीवी चाहिए। तुम जब से आई हो तुमने मुझे अहमियत ही नहीं दी, बल्कि मुझसे ज्यादा महापारा और राइत के झगड़े में मसरूफ हो। हाजरा, अगर मेरी जगह कोई भी होता ना, वो भी यही करता। बल्कि अब तक तुम जैसी लड़की को तलाक देकर किसी दूसरी अच्छी लड़की से शादी कर चुका होता। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों इस घर का सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम? कौन सा सुकून बर्बाद कर दिया मैंने इस घर का? मेरे सामने तो बड़ी मीठी बनी रहती हो, सबके सामने सारा सारा करती हो, कहती हो कि रायत की दुश्मन नहीं हो। क्या कहकर आई हो रायत के लिए वहां? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? वही बातें कर रही हूँ जो तुम वहां कहकर आई हो। तुमने कहा कि रायत पागल है, तो आपने मेरे बारे में कौन से फूल बरसाए? आपने भी तो यही कहा कि मैं पागल हूँ। मगर मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की थी। क्या जरूरत थी तुमको महापारा के बारे में बताने की? क्यों जरूरत नहीं थी? मर गई है वो, माफ कर दो उसे अब। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ कर हमारे घर का सुकून बर्बाद कर रही हो? आपका बेटा निकाल रहा है गड़े मुर्दे, मैं नहीं। वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आप सुहेल के बारे में क्या कहेंगे जो मुझे हॉस्पिटल में मरता हुआ छोड़कर उस मापारा के पास चले गए थे? मापारा के पास? मापारा फिर से आपके बेटों को फंसा रही है। हो सके तो संभाल ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि राइत भी उसके घर जा पहुंचा। महापारा वाकई मर चुकी है। वो नहीं मरी मॉम, मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूं। कहां देख लिया तुमने उसे? तुम तो ग्रैंड लैंड बिल्डर्स गए थे ना फरीद साहब के साथ किसी से मिलने। हाँ, मैं गया था, और जिससे मिलने गया था वो कोई और नहीं, महापारा ही थी।
उसने हमारे सारे पिछले ब्लंडर्स निकाल के हमें डिफेम किया, और आपको क्या लग रहा था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगी तो मेरी नफरत उसके लिए कम हो जाएगी? मैंने झूठ नहीं बोला, वो वाकई मर चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? डैड, जब मैंने आपको मना किया था कि आप मां पारा से नहीं मिलने जाएंगे तो फिर आप क्यों गए? बेटा, मैंने उसे बेटी बनाकर पाला था। मैं समझा कि मैं उससे बात करूंगा तो वो मेरी बात का मान रख लेगी। तो फिर रख लिया उसने आपकी बात का मान? को पता था इस घर में हाजरा तक को इल्म था, बस एक मैं ही लाइल्म थी। भाभी को मालूम था? शैला, खुद को संभालो, खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी बात को झुठलाती रही। तुम बार बार कह रहे थे रायद, और मैं छुटलाती रही। कितना गलत किया मैंने, मुझे मान लेनी चाहिए थी तुम्हारी बात। चेहरा, तुम ठीक कह रही हो, हमने रायद की बात को कभी अहमियत ही नहीं दी। आपने तो फिर भी इसकी बात पे यकीन कर लिया, आप तस्दीक करने गए तो सही, लेकिन मैं देखो, रायद बचपन से ही चिढ़ता था उससे। हम इसे मना करते थे कि अच्छा सलूक करो, उसे बार बार नौकर मत कहो। काश उस वक्त रायद की बात हमारी समझ में आ जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। फजल साहब, कभी कभी मुझे बहुत दुख होता था। मुझे लगता था कि उसने जो कुछ किया वो हमारे ढील देने की वजह से किया। अगर हम शुरू से उसे लिमिट में रखते तो शायद वो ऐसा कभी ना करती और ना ही मरती। ये सच है शैला, कि मावारा के मरने की खबर सुनकर मुझे कभी कभी मलाल होता था। काश उसकी लाश हमें मिल जाती तो मैं इज्जत से उसकी तदफीन तो कर सकता। लेकिन वो तो सब कुछ भूल चुकी, प्यार मोहब्बत वो इज्जत। यहां तक के हमारा एक एक एहसान। आपसे कोई बदतमीजी की उसने? उसने क्या बदतमीजी करनी है? जो तमाशा उसने इस घर में लगाया था उसी पे अकड़ रही थी वो। आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, कम से कम इज्जत और भरम ही कायम रहता। इज्जत और भरम तो कायम रहता, लेकिन मापारा का नाम सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। क्या मतलब? आदमी जिस इमारत की बुनियाद खुद रखे उसी इमारत को तामीर करे, फिर उसे मस्मार करते हुए
तो होती। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैं इसलिए गया था उसके पास, मैंने सोचा कि मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी बात सुनेगी, उसे कुछ लिहाज होगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं समझी, बल्कि मुझे समझा कर ही बैठी। क्या समझाया आपको? यही कि किसी के साथ नेकी ना करो, और अगर नेकी करो तो उसके शर से बचो। मॉम कुछ ना कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी और सारा गेम पलट जाएगा। अब कौन सा गेम खेलने की जल्दी है आपको? झोलट जाने का खौफ है? मेरे रास्ते से हटो, मुझे देर हो रही है। अच्छा, आप कहीं जा रही हैं? भाभी मुझे बताएं ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ और तुम्हारे रास्ते में मेरी मॉम का घर नहीं आता। अच्छा, मॉम की तरफ क्यों? फिर किसी की बरसी करवाने जा रही है? राइट, आवाज नीचे। शर्म नहीं आती आपको इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए? कौन सा झूठ बोल दिया मैंने जो तुम इतना भड़क उठे हो? आप वाकई बहुत बेशर्म है भाभी। सारा सच सामने आने पर भी कोई शर्म, कोई पछतावा नहीं है आपको? कौन सा सच सामने आ गया? मां पारा, वो जिंदा है। ये सब जानते हुए भी आप उसकी बरसी के ड्रामे करवा रही थी? कोई गैरत है आप में? Just shut up! नहीं, आप क्यों shut up? अब तो आपका सारा झूठ सामने खुलकर आ गया है। बताए ना भाभी, क्यों बोला था झूठ? एक मिनट, एक मिनट। तुम्हें बुरा उसके जिंदा होने का लग रहा है या मेरी झूठ बोलने का? मैंने तो सोचा ही नहीं। एक्चुअली तुम्हें बुरा अपने नुकसान का लग रहा है, राइट? कौन सा नुकसान? अरे भाई, उसकी मगफरत के लिए जो लंगर करवाए थे, तुम्हें उसके पैसे चाहिए ना? जाओ, वो जाकर उसे। शट अप! शट अप! एक तो आप बड़े बड़े झूठ बोलती हैं, पर दूसरों की फीलिंग्स का मजाक उड़ाती हैं। फीलिंग्स? उसकी मौत से कौन सी और किसकी फीलिंग हर्ट हो गई? और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो जाओ, अब तो वो जिंदा है, जाकर उसको फूलों का ताज पहनाकर घर वापस ले आओ। मैं जानती हूं कि मैंने ये सच सबसे छुपाया, लेकिन इसलिए क्योंकि सब उसकी मौत से खुश और मुतमईन थे। सब नहीं, सिर्फ आप। अच्छा, तुम नहीं थे? अगर तुम खुश नहीं थे तो उसके जिंदा होने पर इतना बेकरार क्यों हो गए? जैसे उसके मरने पर लंगर करवाए थे, वैसे ही उसके जिंदा होने पर मिठाइयां बटवाओ।
अगर तुम खुश नहीं थे तो उसके जिंदा होने पर इतना बेकरार क्यों हो गए, जैसे उसके मरने पर लंगर करवाए थे वैसे ही उसके जिंदा होने पर मिठाइयां बंटवाओ।